हाय एवरीवन, दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में आप सभी लोग के साथ शेयर करूंगी फ्रेंड्स मसूर दाल की रेसिपी। बहुत ही सिंपल तरीके से एंड देसी तरीके से बना के तैयार करूंगी फ्रेंड्स। तो आप लोग इसे देखने के लिए हमारी वीडियो में बने रहे। तो यहाँ पे देख सकते कितनी टेस्टी है, बन के तैयार हुई है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक कटोरी मसूर का दाल लिया है फ्रेंड। ये हमारी खेत की मसूर की दाल है, तो ये छोटी वाली है। और ये इसमें जो छिलके कुछ कुछ दिख रहे हैं, ये घर में मतलब दर्रा गया है ना, तो उसमें रह गया है छिलका थोड़ा बहुत। और इसमें मिर्ची, लहसुन और एक टमाटर और एक प्याज को बारीक काट लिया गया है। और यहाँ पे मैं इसे कुकर में बनाने वाली हूँ फ्रेंड। तो सबसे पहले कुकर में 2 टीस्पून सरसों का तेल डाल दी हूँ। आप चाहे तो पतीला में भी बना सकते हैं, मसूर की दाल जल्दी ही पक जाती है। उसके बाद क्या करेंगे, यहीं पे 1/2 टीस्पून जीरा और 2 तेज़पत्ता हम इसमें डाल देंगे और इसे हम अच्छे से चटकने देंगे। उसके बाद ही हम इसमें यहीं पे क्या करेंगे, प्याज और हरी मिर्च काटी हुई थी, 3 से 4 हरी मिर्च है और एक बारीक कटी हुई प्याज है, ये भी हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे फ्रेंड इन सभी को। और हम ना एक चीज़ भूल गए डालना, क्योंकि लहसुन पहले डालना चाहिए। तो अब मैं अभी डाल रही हूँ लहसुन, तो आप लोग पहले डालिएगा प्याज डालने से पहले ही। तो लहसुन डाल लेंगे, 3 से 4 लहसुन की कलियाँ छुड़ा के मैंने बारीक काट लिया था उसे भी। और इसमें यहीं पे हम क्या करेंगे, टमाटर डाल देंगे प्याज को थोड़ा भुनने के बाद। एक बारीक कटी हुई टमाटर थी और काली मिर्च और भुने हुए जीरे का पाउडर था 1/2 टीस्पून, वो मैंने डाल दिया इसमें। और इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और दाल को मैंने क्या किया है, कटोरी में डाल के धो लिया है। खेत की दाल है तो मट्टी उट्टी रहती है, इसलिए मैंने अच्छे से धो लिया है इसे। और अब हम क्या करेंगे, इसे डाल देंगे कुकर में और दाल को हम थोड़ा भून लेंगे ताकि इसका जो टेस्ट है वो और भी अच्छा आए। तो हम क्या करेंगे, 10-15 सेकंड तक दाल को इसमें हम भून लेंगे अच्छे से मीडियम फ्लेम पे। और उसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे फ्रेंड। तो पानी आप जिस कटोरी से मैंने दाल लिया था ना, उसी कटोरी से मैं 3 कटोरी पानी डालूंगी इसमें। तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरी में निकाल लिया था नाप के 3 कटोरी पानी और मैंने डाल दिया है। तो आप लोग दाल में पानी मतलब ऊपर से भी मिला सकते हैं या फिर जितना इसका थिकनेस रखना चाहते हैं उस हिसाब से पानी डाल सकते हैं। उसके बाद यहीं पे हम क्या करेंगे, इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल देंगे, स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और थोड़ा सा मिला देंगे इसे अच्छे से। और गैस का फ्लेम तेज कर देंगे और कुकर का ढक्कन लगा देंगे। कुकर के ढक्कन लगाने के बाद हम क्या करेंगे, 3 सीटी आने तक का वेट करेंगे। तो ये हमारी पहली सीटी है और ये दूसरी सीटी और ये हमारी तीसरी सीटी लग गई है फ्रेंड। तो गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे खुद से ठंडा होने देंगे, तभी इसे हम खोलेंगे। तो इसका यहाँ पे प्रेशर निकल चुका है, तब हम इसे खोल के देखते हैं कि दाल हमारी कैसी पकी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दाल जो हमारी बिल्कुल परफेक्ट पक के तैयार हुई है। ये आप चाहे तो यहाँ पे पानी भी मिला सकते हैं, जितनी गाढ़ी आप दाल रखना चाहते हो उस हिसाब से। और ये दाल जो है हमारी बनके तैयार हो चुकी है। इसमें धनिया की पत्ती डाल देंगे थोड़ा सा, आप चाहे तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं। अगर और भी टेस्टी बनाना है इसे तो आप इसके ऊपर से तड़का लगा दीजिए। तड़का में मैंने 1 टीस्पून घी लिया है, 2 सूखी वाली लाल मिर्च और 1 टीस्पून के करीब कश्मीरी मिर्च लिया है, तेल में डाल दिया है फ्रेंड, सॉरी घी में। और उसके बाद हम इसके ऊपर से डाल देंगे इसे। तो देख सकते हैं कितनी टेस्टी दिख रही है, ये लग रही है ना ढाबे स्टाइल दाल बनी है और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुई है फ्रेंड। आप लोग यकीन मानिए कि सब्जी खाना भूल जाइएगा इसके आगे में, इतनी टेस्टी ये दाल बन के तैयार हुई है। सब्जी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब ये इस तरीके से बनाओगे तो। और रोटी के साथ खाइएगा, चावल के साथ खाइए, आपको बहुत पसंद आने वाली है फ्रेंड्स। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड जो भी न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।